हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मेरा नाम चेतन जांगिड। आज की इस वीडियो के अंदर मैं बड़ी किफ़ायती एक बात बताऊंगा, देखो, जो कि अपनी गाड़ी के मतलब ऐसे झोल वोल मारती है, और मतलब बढ़िया बॉडी रोल के बारे में बताऊंगा, जो कि बढ़िया ही वैसे दिखने में तो अच्छा है, पर अपन बढ़िया स्पीड में चलाए तो अपन ऐसे अच्छे से मतलब पलटी खाने का डर रहता है, गाड़ी पलट जाएगी ऐसा मन के अंदर रहता है। तो वही आज बताऊंगा देखो आपको, इसके अंदर इसके वो वीडियो सस्पेंशन पर है। देखो इस गाड़ी के अंदर हमें दो प्रकार के सस्पेंशन देखने के लिए मिलते हैं। देखो रियलिटी में तो बताऊं आपको, देखना अभी पता चला ना इसके अंदर किस प्रकार से सस्पेंशन दे रखे हैं। बढ़िया सी झोल भी मारती है गाड़ी। इसके अंदर अपने को दो प्रकार के सस्पेंशन देखने के लिए मिल जाते हैं। देखो मैं बताऊँ आपको, रियर के अंदर तो लिप सस्पेंशन, और फ्रंट के अंदर हमें, मैं बताऊं देखो, फ्रंट के अंदर हमें इसके अंदर टेलीस्कोपिक देखने के लिए मिल जाते हैं, और रियर के अंदर लिप सस्पेंशन देखने के लिए मिल जाते हैं। रियर कैमरा ऑन कर लेते हैं। रियर के अंदर देखो मैं बताऊं आपको, कबानी मिल जाती है, जो कि हमें कमर्शियल व्हीकल के अंदर देखने के लिए मिलती है। और इसके अंदर देखें ना तो मतलब पीछे से थोड़ी ऊंची भी है, वो इस कबानी के कारण ही है, वैसे आगे से इतनी ऊंची है नहीं ये। इसके अंदर हमें टाइम टू टाइम यानी कि इसे बैंड डलवाना पड़ता है, इसका भी एक मेंटेनेंस रहता है, जो कि हमें टाइम टू टाइम मेंटेन रखना पड़ता है इसकी कबानी। ये इसके अंदर चार कबानी लगी हुई है, 1 2 3 4। इसके अंदर ना ही तो हमें कोई सस्पेंशन देखने के लिए मिलता है पीछे की तरफ, हमें इसके अंदर पीछे लिप सस्पेंशन बोलते हैं इसे इंग्लिश के अंदर, जो कि व्हीकल इंडस्ट्री के अंदर इसे लिप सस्पेंशन बोलते हैं। और इसके अपन देखें ना तो पीछे से इस कारण ही ऊंची लगती है ये अपने को, बड़े बूढ़े लोग बोलते हैं अपने को, लाए तो बोलेरो लाए, ऊंची गाड़ी बढ़िया गाड़ी। ये अपनी बराबर में खड़ी टोयोटा ग्लैंजा है, ये भी अपनी ही है, पर इसके अंदर हमने परचेज करने से पहले इसकी ग्राउंड क्लियरेंस को मेन मुद्दा था इसका, गाड़ी नीचे है भाई नीचे है, पर एक करे क्या। इसके अंदर था टेलीस्कोपिक सस्पेंशन जो देखने के लिए मिल जाता है हमें। इसके अंदर चारों टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है जो कि यहाँ पर है पूरे। इसके अंदर उसकी तरह कोई लीफ नहीं है, पीछे कबानी नहीं है, नीचे की तरफ देखो इसके अंदर कबानी नहीं दे रही, इसके अंदर लीफ सस्पेंशन नहीं है। इसके अंदर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दे रखे हैं जो कि स्कॉर्पियो के अंदर इनके अंदर आते हैं, पर इसके अंदर थोड़ा हार्ड सस्पेंशन है, जो कि मतलब जंपर या मतलब बॉडी रोल इसके अंदर बहुत थोड़ा बहुत कम है, और अपनी बोलेरो के अंदर बॉडी रोल थोड़ा ज़्यादा ही देखने के लिए मिलता है। मेरे को बोलेरो ऐसे लगता है ना कि 110 पर ऐसे मतलब घुमाने हैंडलिंग थोड़ी बढ़िया नहीं रहती इसकी, वो इसी कारण है, क्योंकि इसके अंदर बॉडी रोल अच्छा खासा मिल जाता है हमें, पर मज़ा ही गाड़ी को बॉडी रोल पे आता है। एक तरफ़ा बताऊँ तो मैं आपको, अगर गाड़ी के अंदर बॉडी रोल रहेगा तो ही मज़ा आएगा, मतलब 80 तक चलाने में तो इतना मज़ा आता है क्या ही बताऊं। देखो आपको, जैसे कि आप टोयोटा ग्लैंजा चला लो या मारुति की कोई भी गाड़ी चला लो, मैं अभी तक देखो थार चला लिया, उसके अंदर भी बहुत नई वाली थार के अंदर भी बहुत बढ़िया बॉडी रोल देखने के लिए मिल जाता है, पर वो भाई जितनी आप स्पीड करोगे, स्पीडिंग पर लेकर जाओगे गाड़ी को, जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी अपनी हैंडलिंग थोड़ी डाउन होती जाएगी, मतलब गाड़ी के पलट जाने का डर भी बना रहेगा। जैसे कि बात करें तो इसके अंदर फ्रंट सस्पेंशन के बारे में, फ्रंट सस्पेंशन के अंदर ही इसके अंदर टेलीस्कोपिक देखने के लिए मिल जाता है हमें, जो कि इसके अंदर बेकार ही है, कोई मतलब का ही नहीं है भाई। दे तो फिर दोनों दे, महिंद्रा को इसके अंदर सुधार करना चाहिए। अरे यार ये नुकसान और हो गया, ये पता नहीं किस कारण से कट गया है अभी। उसके अंदर क्या है, ये टूट गया था, मतलब नीचे वाला ये वाला पूरा हिस्सा यहाँ पे टच हो गया था उधर की साइड का, अब वैसे ही इसी के अंदर हो गया। देखो ये वाला क्या है, ये इसके अंदर रबड़ तो कट ही गया, अब इसके अंदर क्या है, मिट्टी जा जाके है ना, इसके अंदर ऑयल रहती है, ऑयल सील है, मतलब ये इसको अपन ऑयल सील बोलते हैं। ये क्या है, इसके अंदर कट जाएगी ना तो इसके अंदर क्या है, मिट्टी जाने लग जाएगी, मिट्टी जाने के कारण ही कट जाएगी, कट जाने से मतलब इसके अंदर गोली सी रहती है, वो फ्री होती है, फ्री मूवमेंट होती है, वो बाहर निकल जाती है, फिर ये टायर अपना ऊपर की तरफ बढ़ जाता है। अब ये क्या, इसी पर तो टिक रही है, अब ये टूट जाएगी तो वर्क करना पूरा ये ऊपर के टायर ऊपर की तरफ इस फेंडर के टच हो जाएगा, बस ये है। और मैं बात करूँ ना तो इसके अंदर हमें बॉडी रोल
बहुत ही ज़्यादा देखने के लिए मिल जाता है। इसका बॉडी रोल इतना मिलता है कि देखो इसको अपन सेफली ड्राइव नहीं कर सकते, मतलब 100-150 की स्पीड तक। ये अपनी टॉप स्पीड निकाल देती है 116-117 के आसपास। मैंने खुद ने चलाई है इसको 116-117। भाई ये रिस्की है, देखो गाड़ी, हर गाड़ी की टॉप स्पीड अलग अलग रहती है, पर उसकी टॉप स्पीड के अनुसार चलाए ना गाड़ी को तो रिस्की है। जैसे कि इसको क्रेटा चलाओगे तो 180-190 तक पहुँच जाएगी, पर वो चल सकती है 170 तक आराम से चल सकती है। वैसे तो ऐसी कोई ख़ास बात है नहीं, उसको चलाए तो उसके लिए बेटर है, पर वो बंदा इसको चलाए इसकी टॉप स्पीड पर चलाए ना टोटल, जैसे वो 190 पे चलाए ना तो उसके लिए हार्मफुल है वो पूरी। वो 160-170 तक चलाए तो ठीक ठाक है, वैसे ही तो और चलाए ना तो उसके लिए हार्मफुल है, बिल्कुल भी नहीं। हमें सेफ ड्राइव करनी चाहिए वैसे तो। भाई अपनी लाइफ भी ज़्यादा प्यारी है अपने को। इसके अंदर दोनों तरफ लिए सस्पेंशन देखने के लिए मिल जाते हैं। देखो महिंद्रा ने हर जगह एक रुपये का बचत किया है। महिंद्रा ने हर जगह रुपये बचा रखे हैं। महिंद्रा को थोड़ा चेंजेस करने चाहिए, मतलब चारों में टेलीस्कोपिक देने चाहिए और बॉडी रोल को थोड़ा हल्का फुल्का कम कर दे और मतलब इसकी। वैसे तो महिंद्रा ने अभी देख लो, ये फर्स्ट जनरेशन बोलेरो हमारे अंदर खड़ी है गैरेज के अंदर, उसके अंदर इसके अंदर तो रात दिन का फ़र्क है। वैसे बॉडी में कोई छेड़छाड़ नहीं की महिंद्रा इस बोलेरो की बॉडी में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं की अभी तक भी उसने। अभी भी जो भी बोलेरो आ रही है उसके अंदर बॉडी सेम आ रही है, बस रियर की टेल लैंप चेंज आ रही है और फ्रंट के हेड लैंप चेंज आ रहे हैं। अभी इसके अंदर थोड़ा बहुत तो बदलाव करना चाहिए ना बॉडी के अंदर भी, पर इतना नहीं चढ़े, बस ऐसे ही लुक में चाहिए हमें बोलेरो। पर अब तो यार हर बंदे की एक नहीं पसंद महिंद्रा थार, वही है सबका सीन भाई महिंद्रा थार। इसके बाद में अपनी भी कोई नेक्स्ट गाड़ी होगी तो वो महिंद्रा थार होगी, जो कि उसकी वो मतलब फ़ोटोज़ भी लीक हो रही है ऑनलाइन, जैसे कि वो 5 डोर वाली, इसकी भी बड़ी मतलब गूगल पे मिल जाती है देखने के लिए। गूगल पर इसकी भी बहुत सही फ़ोटोज़ मिल जाती है देखने के लिए हमें, कि मतलब 5 डोर में बढ़िया आ रही है वो। हालांकि है चाइना की गाड़ी, उन सबको इग्नोर करके मतलब हमें इसी बोलेरो पे फोकस करे ना तो बढ़िया अच्छा खासा दे, अच्छी खासी हो जाए अपनी गाड़ी। और इसके सस्पेंशन में तो करना चाहिए बदलाव, मतलब इसके लिप सस्पेंशन दे रखे, मतलब इतना कोई खास है नहीं पीछे के, अब चू चू की आवाज़ भी करने लग जाते हैं इसके अंदर, जबकि आगे के करते हैं नहीं। बढ़िया बॉडी रोल जो देता है ना अपने गाड़ी को वो कमर्शियल व्हीकल के अंदर ही आता है भाई। लिप सस्पेंशन तो इसने महिंद्रा बोलेरो में डाल रखा है, कोई मतलब का ही नहीं है भाई इसके अंदर। जैसे कि मेरे बीच में सुनने में आई थी कि है ना, जब मैंने नई नई लॉन्च हुई थी महिंद्रा थार की, उसके अंदर भी पीछे लीप सस्पेंशन नहीं लिया, अरे क्या हो रहा है महिंद्रा के अंदर, मैंने सोचा। फिर बाद के अंदर मैंने टेस्ट ड्राइव ली उस गाड़ी की, जब पता चला कि भाई टेलीस्कोपिक दे रखा है, मतलब बढ़िया सस्पेंशन है उसके अंदर, सस्पेंशन बढ़िया है, मतलब ऐसी कोई खास बात है नहीं इसके अंदर। तो भाई वही कमर्शियल व्हीकल वाली की तरह बना रखा है इसको भी पीछे की तरफ वो कबाई लगा कर, ये कोई मतलब है क्या यार। जैसे कि अंदर देखो आप जिसके जितना अपन वेट डालोगे जितना डाउन जाती जाएगी अपनी गाड़ी। जैसे कि इसके अंदर थोड़ा वेट कम, मतलब ये वेट के ऊपर ही, जैसे कि कबानी आती है मतलब कमर्शियल व्हीकल के अंदर, जैसे मैं महिंद्रा की बोल रहा हूँ पिकअप आती है उसके अंदर कम से कम 6-7 कबानी के पट्टे आते हैं, जो कि इसको बॉडी को थोड़ा ऊपर भी कर देते हैं। और इसके अंदर वेट कितना भी रख लो वो कोई टायर पर फ़र्क नहीं डालता, मतलब वो उसकी क्या है बॉडी नीचे नहीं आती इतनी कोई खास, यही है मतलब जो ही इसके अंदर दे रखा है यार। कोई कंपनी को थोड़ा बहुत चेंजेस करना चाहिए ना यार नई वाली महिंद्रा बोलेरो के अंदर भी, ये कोई मतलब है। बस आज के लिए तो बस इतना ही, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार, पहले सब्सक्राइब कर दो यार, बाद में एंड होगी अपनी वीडियो। चलो ठीक है, कर ही दिया होगा सब्सक्राइब कर दो।